तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बची हुई ब्रेड से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता बनाना बताएंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रेड की रेसिपी ही बताई थी जिससे मैंने ब्रेड के सर्कल निकाले थे, तो ये वही बचे हुए साइड एजेस हैं। और फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में ब्रेड के साइड एजेस बच जाते हैं और ये किसी यूज़ में नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी बची हुई ब्रेड के साइड एजेस से बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनाकर बताऊँगी, जिससे कि जब भी आपके घर पर ब्रेड बचेगी ना, तो आप इसी मज़ेदार से नाश्ते को बनाएंगे। और फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाने के लिए आप ब्रेड को भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको साइड एजेस लेकर ही इस नाश्ते को बनाना हो, और इस तरह के जो साइड एजेस बच जाते हैं तो इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए जितने भी मेरे पास ब्रेड के साइड एजेस बच गए थे ना, वो हमने ले लिए हैं, और इसे अब हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, साथ में ही हम डाल देंगे इसके 1/3 कप सूजी। तो यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है, लेकिन एक बार हम ब्रेड के साथ में इसे ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो ना, तो भी आप उसे ग्राइंड कर ही लीजिएगा। तो देखिए, दोनों ही अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से बारीक हो चुकी हैं। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर रेसिपी बनाते हैं तो ये जो रेसिपी है आपकी गड़बड़ हो सकती है। आपको वीडियो पहले फुल वॉच करना है, फिर आपको इस रेसिपी को ट्राई करना है, तो ही जो ये रेसिपी है आपकी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, जब दोनों ही चीज़ें अच्छे से बारीक हो चुकी हैं, तो इसमें अब हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 कप भरकर पानी लिया है, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। तो देखें आप, सूजी और जो ब्रेड है ना, वो अच्छे से सोख कर लिया है पानी। अभी इसमें पानी और डलेगा, तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद इसमें हम और पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी कि हमें कितना पानी डालना है, क्योंकि सूजी थोड़ा ज़्यादा पानी लेती है। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इतनी ही हमें रखनी है। तो हमने पूरा 1 कप पानी लिया था, जिसमें थोड़ा पानी बच गया है, और बाकी हमने सारा पानी इसमें डाला है। और इस तरह का आपको घोल चाहिए, तो बस इसी तरह से हमें घोल को रेडी कर लेना है। और अब इसमें हम डाल देंगे दही। तो दही फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ले रहे हैं गाढ़ा वाला, तो गाढ़ा दही है, तो हम इसमें 3 चम्मच लेंगे। अगर आपके पास पतला दही हो तो आप 6 से 7 चम्मच भी ले सकते हैं। और 3 चम्मच दही डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो मिक्स हम इसे विस्कर की हेल्प से कर लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ताकि दही इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो ब्लेंडिंग जार में दही को साथ में ही डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अलग ही कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल जाएंगी। अब देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 चम्मच, और दोनों ही चीज़ें डालकर अच्छे से हम एक बार और मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। और देखिए, अच्छे से हमने जब मिक्स कर दिया है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और साथ में ही हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और बारीक कटी हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है हमने, और थोड़े से हमने गाजर लिए हैं। और आप चाहें तो इसमें प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज नहीं डाली है इसमें। और थोड़ा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपस में मिल जाती हैं, तो लास्ट में हम 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे खाने वाला सोडा, और थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है, और इसी तरह से आपको मेरे चैनल पर नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। तो देखिए, यहाँ मैंने थोड़े से काले वाले तिल डाल दिए हैं, और इसे अच्छे से फेंट लिया है। आपके पास काले या फिर ब्राउन वाले, वाइट वाले जो भी तिल हैं, आप डाल दीजिएगा। नाश्ते में काफ़ी क्रिस्पीनेस आती है, काफ़ी टेस्टी बन जाता है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा, तो ज़ीरा डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक पैन रख देते हैं गैस पर, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालकर अच्छे से फैला देंगे ब्रश की हेल्प से। और इसमें थोड़े से स्प्रिंकल हम कर रहे हैं ब्राउन तिल, और थोड़े से हम इसमें कुछ करी पत्ते डाल रहे हैं इस तरह से,
और इसके ऊपर हम डालेंगे बेटर और बेटर को फैला देंगे। तो जितना आप फैला सकते हो बेटर को फैला दीजिएगा, जितना बड़ा आपको ये नाश्ता बनाना हो। तो देखिए बिल्कुल मीडियम साइज में ही मैंने इसे फैला दिया है अच्छी तरह से। तो अब हमें क्या करना है, फैलाने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो करते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही कवर कर कर रख कर इसी तरह से छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसे बनते हुए 3 मिनट हो गए हैं, तो हमने इसको चेक कर लिया है, ढक्कन हटाकर देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेटर है अच्छे से बनता हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर से सारा ड्राई हो गया है ये। तो क्या करेंगे, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। तो यहाँ देखें आप, अच्छे से इसको हमने फ्लिप करा है, कलर अच्छा आ गया है। फिर से हम 2-3 मिनट के लिए कवर कर छोड़ देंगे। तो यहाँ आप देखें 2 से 3 मिनट में अच्छे से तरह से दोनों ही साइड से ये बन जाता है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है दोनों ही साइड से। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, तो बहुत ही केयरफुली निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है। और देखिए एक नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब फ्रेंड क्या करेंगे, हम दूसरा वाला भी सेम इसी प्रोसेस से बना लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के डालेंगे तिल, और इसमें थोड़ा सा हम करी पत्ता, ऊपर से बेटर डालेंगे। तो फ्रेंड्स जितना भी आप नाश्ता बनाना चाहते हो आप बना लीजिएगा, और जितना आप फैलाना चाहते हैं फैला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ब्रेड का नाश्ता है, बहुत ही हल्का फुल्का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। 3 मिनट के लिए कवर कर कर छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ब्रेड के नाश्ते की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ अपलोड हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर तरह तरह की नई नई ब्रेड के नाश्ते की रेसिपी देखने को मिलेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं रखे हुए इसे 3 मिनट हो गए हैं, तो अब हम फिर से इसे चेक कर कर देख लेंगे। तो देखिए ऊपर से ये ड्राई जब इस तरह से हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है, इसे फ्लिप कर देना है। तो ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा ऊपर से, नहीं लगती तो आप इसे सिंपली फ्लिप कर दीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से ये फ्लिप हो जाता है। मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और इसे फ्लिप करा है, तो आप देखें कलर अच्छा सा आ चुका है। अब वापस से कवर कर देते हैं, और कवर करने के बाद 3 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। तो नाश्ता हमारा देखिए दोनों ही साइड से अच्छा क्रिस्पी करारा सा बन चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहता है और इसकी ऊपर की जो लेयर है काफ़ी क्रिस्पी रहती है। तो फ्रेंड्स इसे भी अब हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जितना आप इस बैटर में नाश्ता बनाना चाहते हो आप बना लीजिएगा, इस बैटर में काफ़ी सारा नाश्ता बन जाता है। और फ्रेंड्स आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाना पसंद करेंगे और इस मज़ेदार से नाश्ते की आपसे बार बार डिमांड भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस मज़ेदार से नाश्ते को टोमेटो केचप, मेयोनीज या हरी चटनी या शेजवान चटनी, जो भी दिल चाहे, जो भी आप पसंद करते हो, उसके साथ इस मज़ेदार से नाश्ते को इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बिना इसको केचप मेयोनीज के साथ भी खाएंगे तो भी ये नाश्ता काफ़ी टेस्टी लगेगा। और फ्रेंड्स आप इस मज़ेदार से नाश्ते को अगर गर्मा गर्म सर्व करेंगे ना, तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स हमेशा ही मैं आप लोग के लिए नए नए नाश्ते की रेसिपीज़ लेकर के आती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग कुछ नया सीख पाएँ। और फ्रेंड्स हम जो भी रेसिपीज़ लेकर के आते हैं पहले हम घर पर ख़ुद ट्राई करते हैं, और जब वो रेसिपी अच्छी बनती है तभी हम आपको शेयर करते हैं, ताकि आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी का लुत्फ़ उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा नाश्ता है ये, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। घर में अगर ब्रेड रखी हुई है, बच गई है, या फिर साइड कॉर्नर ब्रेड के बच जाते हैं, या ब्रेड अक्सर ड्राई हो जाती है, तो आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाइए। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा और झटपट से बनकर तैयार होगा। जल्दबाजी में अगर कुछ बनाना चाहते हो कि बने भी अच्छा और खाने में भी टेस्टी हो, तो फ्रेंड्स आप इस मज़ेदार से ब्रेड के नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाएँ। फ्रेंड्स अगर घर पर मेहमान भी आ जाते हैं तो उन्हें भी बनाकर खिलाइए, उन्हें भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल भी उन्हें लगेगा ही नहीं कि ये मज़ेदार सा ब्रेड का नाश्ता आपने बनाया है ब्रेड से। तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। उम्मीद है आपको, आपके घर में सभी को ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये टेस्टी मज़ेदार ब्रेड के नाश्ते की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से एक और रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, ये भी बहुत ही टेस्टी है, मज़ेदार है, आप लोग इसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ ब्रेड के 2 पीसेस लिए हैं हमने, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 बाउल, क्योंकि इसमें हम डालेंगे 1/3 कप बारीक वाली सूजी। तो सूजी अगर आपके पास मोटी हो तो ग्राइंड कर कर एक बार ले लीजिएगा, और बारीक हो तो आप इसे डायरेक्टली इस्तेमाल में ले लीजिएगा। 1 चम्मच बेसन डालेंगे, और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे,
और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डाल रहे हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, वरना आप इसके बजाय इसमें ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो सूजी फूलती है, इस बात का ध्यान रखना है। आप थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा ही थोड़ा करके डालिएगा ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। एकदम से पतला घोल नहीं करना है हमें, थोड़ा गाढ़ा ही घोल को रखना है। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 1/3 कप सूजी ली थी, तो यहाँ पर 1/3 कप ही हमने पानी लिया है। और अभी अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा और पानी लेंगे, तो अभी सिर्फ हमने इसमें 1/3 कप पानी ही लिया है। तो यहाँ देखें आप, घोल थोड़ा गाढ़ा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से रखकर एक साइड में छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, सूजी फूल भी जाएगी और जब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए, एक बाउल लिया है हमने और इसमें अब हम ले रहे हैं एक आलू। तो बॉईल आलू लिया है हमने, इसका छिलका उतार देंगे। और छिलका उतारने के बाद आलू को हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मीडियम साइज़ का ही आलू लिया है हमने। और देखिए, पील होने के बाद इसे हम ग्रेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे मैश भी कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अच्छे से बारीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, आलू पूरा हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अगर फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर रेसिपी मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखकर रेसिपी बनाते हैं तो ये जो रेसिपी आपकी गड़बड़ हो सकती है। आपको पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, फिर आपको इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो आलू हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ मैंने बॉयल एग लिया था फ्रेंड्स, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे, तो पूरा एक अंडा लेना है आपको। और डालने के बाद अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और फ्रेंड्स, अब इसमें हम डालेंगे तीखी लाल मिर्च का पाउडर। आप हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, इससे टेस्ट अच्छा आता है स्टफिंग का, वो तो ज़रूर डालिएगा। और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं हम। और आधा चम्मच हम इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर। आप चाट मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैगी मसाले का मैंने पैकेट लिया है। तो फ्रेंड्स, इसका हमें पूरा पैकेट नहीं डालना है, हम इसमें आधा पैकेट डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ज़्यादा कुछ मसाले डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं ले रही हूँ टॉपिंग पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस की। तो इसका हम एक चम्मच भर के इसमें डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही गज़ब का आता है। अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं हो तो सिर्फ आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो ना तो आप डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें वही आपको डालनी है जो हमने डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी ये स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स, इसे हम रखते हैं साइड में। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जो हमने ब्रेड के दो पीसेस लिए हैं ना, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे इसके जो साइड कॉर्नर हैं हमें इसे कट कर देना है। तो बिल्कुल पतले पतले कॉर्नर्स हमें निकालने हैं, ज़्यादा मोटे कॉर्नर्स नहीं निकालेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये प्रोसेस हो जाता है। और देखिए, बिल्कुल इसके कॉर्नर निकाल दिए हैं, ब्रेड बिल्कुल अच्छे से हमारे बिल्कुल वाइट पार्ट निकल आया है। आप चाहें तो इसको कॉर्नर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे कॉर्नर्स अलग कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो इसके साइड एजेस बचते हैं ना, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। और फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हमने जो स्टफिंग को रेडी करी है वो हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो शेजवान सॉस या फिर आप इसमें टोमेटो केचप भी स्प्रेड करके स्टफिंग को लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल ही मैं इसमें लगा रही हूँ, क्योंकि हमने स्टफिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करी हैं, जिससे कि वैसे ही ये जो हमारा नाश्ता है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अच्छी तरह से ब्रेड के पीसेस को हम चिपका देंगे और आप देखिए, स्टफिंग बहुत ही अच्छे से इसमें स्टिक हो जाती है। तो यहाँ आप देखें, बहुत अच्छे तरह से हमने इसे स्टिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप अंडे के बजाय इसमें पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी स्टफिंग हमने अच्छे से लगा दी है। अब दूसरे पीस के ऊपर हम लगा रहे हैं टोमेटो केचप और अच्छी तरह से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, टोमेटो केचप हर घर में अवेलेबल होता है, इसलिए मैं इसमें टोमेटो केचप ही आपको लगा कर दिखा रही हूँ। अब देखिए, अच्छी तरह से टोमेटो केचप लगाने के बाद जो ये जो पीस है ना, दूसरा वाला ब्रेड का, इसे हमें इसके ऊपर अच्छी तरह से रख देना है। और रखने के बाद देखें आप, बहुत आसानी से ये स्टिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से पहले इसे स्टिक कर देते हैं हम। ओ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने सूजी और बेसन का घोल रेडी करा था ना, देखिए ये हमने इसे रख के छोड़ा था, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बस हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, इसे पतला नहीं करना है। ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, तो अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं।
अच्छे से ये आसानी से स्टिक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियो तो फुल वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, यह बिल्कुल फ्री होता है और इसी तरह से आपको मेरे चैनल पर नई नई रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। और यहाँ आप देखें, हमारा ये ऊपर से ब्रेड का पीस रेडी हो गया है। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर जो सूजी का बेसन का घोल था लगा दिया है, अच्छे से स्टिक हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा ही ऑयल डालना है, बहुत कम ऑयल में बनने वाला ये नाश्ता है, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमने जो सूजी का घोल था ना, वो जो हमने रखा लगाया था उसी तरफ से ही हमें इसे रख देना है, और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे फ्रेंड्स हम। और फ्रेंड्स जो ऊपर वाला पीसेस में हम लगा रहे हैं पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, ऊपर से थोड़ा सा लगा कर अच्छी तरह से फैला देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो लगा दें, या फिर आप इसमें टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, या फिर वैसे ही आप इसे बना सकते हैं अगर आपके पास दोनों चीज़ ना हो तो। तो अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर जो हमारा सूजी का बेसन का बैटर है ना, वो हमें ऊपर से लगा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह का नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और फ्रेंड्स ये एक ही नाश्ता अगर आप ब्रेड का बनाते हैं ना, तो बच्चे पेट भर कर खाएंगे इसे, ये इतना हेवी होता है, इतना हेल्दी होता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है इसका। तो फ्रेंड्स जो भी रेसिपी हम आपके लिए लेकर के आते हैं, पहले हम खुद ट्राई करते हैं और रेसिपी अच्छी होने के बाद ही हम आपको सजेस्ट करते हैं, जिससे कि आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी का लुत्फ़ उठा पाएँ। तो फ्रेंड्स हमारे घर में ये रेसिपी बनी थी और हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना हम आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करें, जिससे कि आप भी इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से अच्छी तरह से मैंने इसे लगा दिया है और अच्छी तरह से ऊपर से ये कवर हो चुका है, तो बस अब हमें इसे फ्लिप कर देना है। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि मोटी लेयर नहीं लगानी है, पतली ही लेयर लगानी है आपको, और अब हम इसे फ्लिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम इसे स्लो फ्लेम पर ही बना रहे हैं, और दोनों ही साइड से आप सेकेंगे ना, तो आपको स्लो फ्लेम पर ही सेकना होगा। आप देखें कलर कितना प्यारा आया है, बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है, बहुत ही अच्छे से बना है ये। तो फ्रेंड्स अब दूसरे साइड से भी हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। आप देखेंगे दूसरी साइड भी कलर अच्छा सा आ गया है, बहुत ही अच्छे से ये कुक हुआ है, बहुत ही अच्छे से बनकर ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स जो साइड का पोर्शन है ना, साइड वाला हिस्सा, इसे भी हम थोड़ा सा स्पैचुला से दबाते हुए सेक लेंगे, ताकि हल्का सा कलर इधर भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। हल्का हल्का सा बस इसी तरह से प्रेस करते हुए हमें इसे भी सेक लेना है। तो फ्रेंड्स जब ये सब तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाता है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ। और आप देखें जितना अच्छा ये फ्रेंड्स नाश्ता आपको दिख रहा है ना, खाने में फ्रेंड्स ये और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी मज़ेदार है, बनाना बहुत ही आसान है, बनाने में आपको किसी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। आप इसको सिर्फ घर के ही सामानों से आसानी से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, आपको इसमें बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हम इसे गार्निश करेंगे तो टोमेटो केचप लगाएंगे ऊपर से, जिससे कि बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स जब आप इसे खाएंगे ना, तो आपको इसके साथ में टोमेटो केचप या फिर मेयोनीज या फिर आपको हरी चटनी, कोई भी चीज़ की आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं ऑलरेडी। अब हल्का सा गार्निशिंग के लिए देखिए हम इसमें धनिया पत्ती डाल रहे हैं, जिससे कि नाश्ता और भी अच्छा दिखाई दे। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब थोड़े से फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ वाइट वाले तिल, जिससे कि नाश्ता बहुत ही अच्छा दिखेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में भी। तो बस अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं हल्का हल्का सा ये थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालकर गार्निश कर रही हूँ, जिससे कि देखिए नाश्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है, देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, आप देखें कितना क्रिस्पी करा रहा है, आपको इसकी आवाज़ से ही लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चे बहुत ही शौक से खाना पसंद करेंगे और बार बार आपसे इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। एक ही नाश्ते में बच्चों का आपके पेट भी भर जाएगा, ये इतना हेल्दी और टेस्टी होता है। और अगर आप सुबह सुबह की जल्दबाजी में हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बनाएं, तो फ्रेंड्स सुबह सुबह की जल्दबाजी में झटपट से आप इस मज़ेदार से नाश्ते को ज़रूर बनाएं।
तो फ्रेंड्स बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। उम्मीद है आपको आपके घर में सभी को ये मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये टेस्टी मज़ेदार ब्रेड के नाश्ते की ये रेसिपी कैसी लगी।